मान लीजिए समाज में जब आप जाते हो और उनको कहते हो कि हम आपके हर बच्चे को रोजगार देंगे, तो शायद उनके लिए हमें शायद उनके लिए ये बात मानना संभव ना हो एक लाइन में। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनको बतानी पड़ेंगी जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उनको होता हुआ नजर आए, और हम लोगों ने आपको इशारों में बात करना इसीलिए सिखाया था कि जब अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं और आपस में ही ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो आप इशारों में कर सकते हैं ताकि बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हों आपके आसपास। ये बहुत ज़रूरी है। कि कहाँ से, यहाँ से एक रिक्वेस्ट और करूँगा मैं आपसे। एक सवाल है मेरा, इस ट्रेनिंग के पूरे 7 दिन के इवैल्यूएशन के बाद आपकी टीम का कौन सा मेंबर कब गया, कब वो टीम में रहा, कब वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, उसके पार्टिसिपेशन का रोल कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, ये सारी की सारी CID जो है वो आपकी एक एक आदमी की अपने पास आ रही है। अब इसके बेसिस पर यदि हम कुछ ऐसा करें कि अगली जिम्मेदारी केवल उन्हीं लोगों को दिया जाए जो, अगर देखिए किसी का मजबूरी थी, जैसे कोई बीमार पड़ा है वहाँ पर, कोई इस तरह से अपने काम में लगा हुआ है जिसकी ड्यूटी लगी है, उसको छोड़ करके जो सीरियस नहीं था हम उसको अगले स्टेप की ट्रेनिंग में शामिल ना करें, या सबको कर लेना चाहिए? सबको मतलब जिसने 7 दिन मेहनत करी है उसको, और जिसने एक ही दिन आया है या 2 ही दिन आया या सिर्फ शक्ल दिखा करके यहां शक्ल दिखाई और बाहर बैठा रहा, उसको भी बराबर शामिल किया जाए? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि 7 दिन वाले और 1 दिन वाले और 3 दिन वाले सबको लेकर के अगली ट्रेनिंग में लेकर जाया जाए? हाथ खड़ा करके बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लोग हैं। कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिन्होंने कंप्लीट ट्रेनिंग करी, सीरियसली अपना काम किया, उन्हीं को अगली ट्रेनिंग में लेकर के जाया जाए? ओके, मैक्सिमम लोग यही हैं। रीजन क्या है? अगर किसी को अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं आया है, अगर वो ग्रुप में रहना नहीं सीखा है, अगर उसने संगठन को माइक्रो लेवल पे समझना नहीं सीखा है, आप 5 लोगों के साथ भी अगर एडजस्ट नहीं कर पाए, मैक्सिमम जो ग्रुप था वो 6 लोगों का था, यदि आप 6 लोगों के साथ भी आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत है तो तब आप 1,00,000 लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। यदि आप 7 दिन नहीं निकाल पाए हैं तो 13 महीने का आंदोलन कैसे निकालेंगे? यदि आप तकलीफ के अंदर आप झटपटा जाते हैं तो तकलीफों का तो दौर आने वाला है। जब लड़ाई लड़ने लगोगे तो आपको चारों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर आपके अंदर अभी रेजिस्टेंस है, यदि आपके अंदर अभी भी आपका आपका होना अगर बचा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि 7 दिन की ट्रेनिंग ने आपको मार दिया है, आपके अहम को मार दिया है, तो आप मर गए, अहम मर गया, बात ही एक ही बात है, मैं हूं ही नहीं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो अपने ग्रुप के लिए काम कर रहे थे पूरे 7 के 7 दिन उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, और उनका रिव्यू ये था उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया था पहले, दूसरे आदमियों के लिए जीना, मतलब 6 दिन थे, 6 दिन में वो 6 के 6 दिन वो अपने ग्रुप के लिए काम कर रहा था, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। और मैं समझता हूं उस आदमी, जिस आदमी ने ऐसा किया है उस आदमी के ऊपर तो कम से कम हम भरोसा कर ही सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को प्रथम रखता है, जो अपने आप को अपने अहंकार को नहीं त्याग सकता है, मुझे लगता है वो संगठन में नहीं रह सकता है। भाई एक चीज है सिंपल सी, आपको एक रास्ते पर जाना है, रास्ते पर जाने एक एक मंजिल तक जाना है, उस मंजिल के कई सारे रास्ते हैं, और आपके बीच में 2-3 एक
ओपिनियन बनते हैं कि एक ओपिनियन कहता है ऐसा करना चाहिए, एक ये कहता है ऐसा करना चाहिए। मेरी पानी की बोतल लेगी भाई, गर्म पानी चाहिएगा। अब एक साथ ही एक, अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, ये आपने इस 7 दिन में सीखा कि नहीं सीखा, आप बताइए, सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। दूसरे के ओपिनियन का भी बराबर सम्मान करना चाहिए, ये सीखा कि नहीं सीखा? पहले से बेटर है इस मामले में अभी आपका जो थॉट प्रोसेस है या पहले जैसा ही है? कोई ऐसा है जो वैसा ही है जैसा आया था? कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 7 दिन पहले ऐसा ही था और ऐसा ही वो आज है, उसमें कोई फर्क नहीं महसूस हुआ, वैसा ही है? है? नहीं, मस्त नहीं, बात है कि क्या हम पहले संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप में रहने में, समाज के काम करने में जो थॉट प्रोसेस था, मतलब मस्त होना ठीक अच्छी बात है, बात होती है कि दूसरी चीजों के लिए अपने विचारों के का बदलना या वैसा ही रहना। मेरा जो गोविंद था वो था, तो फिर वैसा कैसे रहा? स्ट्रॉन्ग हुआ ना, मतलब बेहतर हुए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं, कोई एक आधा बंदा ऐसा हो सकता है जो मेरे बिहेवियर से आहत हो गया हो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था, एक गजल थी किसी उसकी शायर की, मैंने वो लिखी थी अपनी डायरी में कि कोई बंदा हो ना वो ये बोल सकता है कि जो खानदानी रईस होते ना वो रखते हैं नरम लिहाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत नई नई है, है? मेरे उस लहजे को 2 दिन में देख करके आप में से कोई सोच सकता है कि नया नया लीडर बना है और थोड़े दिन में समझ में आ जाओगा। इसको मैं पूरा पढ़ता हूं आपके लिए और आपके समझने की बात है। ये शबीना आदिब की गजल है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। नया नया शुरू शुरू में बात करना शुरू करते हैं तो गुफ्तगू थोड़ी उसमें तकल्लुफ होती है, मतलब उसमें मज़ा आता है नई नई बात करने में ना, इसलिए अब ये उल्फत नई नई है, यानी जो आप हमारी लिहाज कर रहे हो ना ये नया नया है, देखेंगे कितने दिन चलेगा। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी मोहब्बत नहीं नहीं है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, हैं? मतलब थोड़ा सा क्या मिल गया कि सबसे आगे आके चौड़ा होकर के बैठने की आदत पड़ गई तुमको, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शहरत नई नई है। और आखिरी जो शेर है वो उनके लिए है जो सत्ता में बैठे हैं या जो हम लोगों को सोचते हैं कि इनको हम काबू कर लेंगे। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा वो जिसकी ताकत नई नई है। तो इसलिए कि किसी भी लाइन को परम सत्य ना माना जाए, क्योंकि जो सत्य है
वो हमारी समझ से, हमारे ज्ञान से कहीं ऊपर की चीज होती है, सत्य नहीं होता है। बस उसको मेरा, अगर मैं बोल रहा हूं और मेरी जबान है, उसको मेरी जबान तक ही लिया जाए कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। सत्य को समझने की तो शायद हम लोगों में समझ डेवलप होगी कि नहीं होगी, ये तो कुदरत तय करेगी, कितनी होगी, कितना समझ पाएंगे, ये भी मौके की बात है। फिलहाल के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि हमारा आज का रोल क्या है, आज हमें यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। जब आप 13 पार्ट ट्रेनिंग के कर लेंगे, बेसिक पार्ट, तो 13 पार्ट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा के सुनील कहाँ है, ले दूर ले, ठाइए बता दे, ठा दिया सर, ठा दिया मैंने। तो वो जो 13 पार्ट आप कर लोगे जिस दिन, उस दिन आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपको अपने पूरे गांव के बच्चों के टैलेंट का पता चल गया, ठीक है। अब जीवन जीने के लिए क्या क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, मूलभूत सुविधाओं में क्या रहता है, रख ले। मुख्य तौर पर हम ये कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, कि इतना आदमी को गुजारे लायक हो जाए। फिर ये इतनी दौड़ किस चीज के लिए है, ये जो दिखावा है ये किसके लिए है, इसके बारे में आपने सोचा कभी, हम दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि दिखावे वाली जो परसेंटेज है वो तो थोड़े से लोगों की है, असलियत में जो दिखावा करने का जो माइंडसेट है, जो कुदरत ने ही पैदा किया है, वो तो 1-2% है। तो हम सब क्यों करते हैं? क्योंकि जो 85% लोग, जिनको हमने कहा है एवरेज 85 से लेकर 90 तक चला जाता है ये आंकड़ा कभी कभी किसी किसी समाज में, वो लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी कहानियां मीडिया में दर्शाई जाती है। जैसे हमने कल कंपटीशन के नुकसान की बातें आपको बताई, कंपटीशन जब तक रहेगा समाज में तब तक बर्बादी रहेगी। हमने 7 दिन इतनी सारी एक्टिविटीज में एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जिसमें कोई भी हारा हो या कोई भी जीता हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कभी नहीं हारता, मैं या तो जीतता हूं या मैं सीखता हूं, दो ही काम है। यही काम हमने इस पूरे 7 दिन में किया, या तो हम जीते या हम सीखे। उसी चीज को हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि को एग्जिस्टेंस की जो हमारी अवधारणा है, सह अस्तित्व की, कि मैं आपको पूरा करने के लिए हूं, मैं आपसे आगे दौड़ने के लिए नहीं हूं। जो आप में कमी है उसे मैं पूरा कर दूं, और जो मेरे में कमी है उसको आप पूरा कर दें। एक व्यक्ति कितना ही स्याणा हो, कितना ही समझदार हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही ज्ञानवान हो, कौशल कितने ही बढ़े हो, एक आदमी ही होता है। समाज के परिवर्तन के लिए समाज को साथ लेना बहुत जरूरी है। आवाज कम है इसकी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे। हेलो, ये ठीक है, इसमें नहीं, थोड़ी सी बढ़ाई दीजिए, ये थोड़ा मोटा है इसमें आवाज। तो एक व्यक्ति नहीं कुछ भी बदल पाएगा। गिलास नहीं देते यार, और मेरे को डाल के देना पड़ेगा आज तो ना। एक व्यक्ति कुछ भी बदल नहीं पाएगा, तो आप लोगों को एक दूसरे का पूरक बन करके काम करना पड़ेगा। उसी चीज की ये ट्रेनिंग थी कि आप एक दूसरे को पूरा कैसे करोगे। और मेरा सवाल जो शुरू में मैंने आपसे पूछा वो ये था, और उसका कारण ये था, भाई साहब मैं आपको बताऊं,
जो व्यक्ति 7 दिन से यहां बैठा हुआ है उस व्यक्ति को मैंने बाहर निकलकर फोन पर बात करते हुए नहीं देखा, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति यहां से रात को चला जाता है, वहां हमारे साथी बैठे हैं पीछे, नाम नहीं लूंगा मैं जानबूझ के, सुबह जब हम योगा कर रहे थे वो तब भी मोबाइल चला रहे थे क्योंकि वो बीच में गायब रहे, क्योंकि वो उसको आत्मसात नहीं कर पाए, वो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वो उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाए। मैं मोबाइल बंद कराने के पक्ष में नहीं हूं, मैं हूं आपको जरूरत क्या है। सुबह का जो मौसम है वो आपको अपने आप से मिलाने के लिए था, सुबह का जो सेशन था वो खुद को महसूस करने के लिए ही था कि आप एक बार अपने आप को जान तो लो, आप देखो तो सही। और जिस जिसने भी सुबह का सेशन सीरियसली किया उसको मोबाइल दिन में याद आया ही नहीं। वो जो बिंदु है, इसीलिए मैंने आपको कहा जितना इनडिसिप्लिन क्रिएट किया यहां पर पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, जितना भी नॉन सीरियसनेस हुआ वो उन लोगों के लिए हुआ जो 6 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन आए या फिर जो रात को चले गए और सुबह आए। अगर कुछ हुआ तो मान लीजिए, अगर कोई शिकायत आई तो केवल वही लोगों की आई जो लोग यहां थे नहीं या जो लोग लेट आए थे, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाए। वो बाकी लोगों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हुए देख रहे थे तो वो सोच रहे थे कि ये तो ऐसे ही लगे हुए हैं, वो उसकी उस पार्ट की सीरियसनेस को नहीं समझ पाए क्योंकि उसका बेस हमने पहले दिन बनाया था, पहले लेक्चर में बनाया था, वो नियम हमने पहले लेक्चर में तय किए थे, तो वो पहले लेक्चर वाला आदमी को मालूम था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उसके बाद के किसी व्यक्ति को नहीं मालूम था कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और जब हमें यही नहीं पता कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कुछ भी सीरियसली कर पाए। चेयर भी दे दे अमरिंदर, चेयर इधर रख, कर पाएंगे फिर हम सीरियसली? नहीं कर पाएंगे ना। तो अब जो है हमको शिक्षकों की भी जरूरत पड़ेगी, हमको डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, हमको खेती करने वालों की भी जरूरत पड़ेगी, पर्यावरण संरक्षण की भी जरूरत पड़ेगी, बोलने वाले लीडर्स की भी जरूरत पड़ेगी जो समाज को जागृत रख सकें, खिलाड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी। खिलाड़ियों की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? क्योंकि कई बार समाज में ऐसा होता है कि आपके पास आदमी ज्यादा हैं और काम कम है। कल आपने ये देखा था, कल देखा था ना आपने, कल सुबह हम सेवा के कार्य के लिए यहां से निकले और हमारा टारगेट था कि हम ये वाली दीवार, उसके अगले वाली दीवार और वो जो स्कूल की दीवार है पूरी इधर वाली और उधर, मतलब पहले हमारा इरादा था ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और जो स्कूल की एक वाली दीवार कर देंगे साफ हम लोग, इतना घास, इतना बड़ा बड़ा घास और इतने झाड़ियां बड़ी, तो हम प्लान कर रहे थे, आचार्य जी कह रहे थे नहीं ये ए वाली इधर वाली दीवार गेट के पास वाली कर दो, ऐसा ही आचार्य जी ने बोला था कि ज्यादा हो जाएगा बाकी का। हम निकले सुबह आचार्य जी और हमने साथियों को ड्यूटी लगा दी कि आप अपना अपना टारगेट लेके वहीं बैठ जाना कि इतना मैं निपटा दूंगा, इतना मैं निपटा, मतलब कि जैसे शुरुआत यहां से हो रही है तो शुरू से नहीं करना, वहां से स्टार्ट करना कि इतना तो मैं निपटाऊंगा इससे पहले वाला, तो और अगले वाला उससे आगे, अगले वाला उससे आगे, अगले वाला उससे आगे, ऐसे बैठते जाना और वो बैठते चले गए और बैठते बैठते वो गेट तक पहुंच गए। अब जब तक मैं गया कि मैं इन लोगों के साथियों की वीडियो बनाऊंगा तब तक तो सारा साफ सारा ही साफ हो गया यार ये तो। फिर हमने परली साइड वाली दीवार में कहा यार अब इतना टाइम बचा हुआ है तो अपन परली वाली भी करके देखते हैं। फिर हमने टास्क लिया, मैं कहा देखते हैं कितनी देर में हम ये पूरा करेंगे। तो हमने जो साथियों को ऐसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया, सामने पूरी घास है, हमने वीडियो बनानी शुरू करी कि मैं वीडियो क्लिक करूंगा तो आप इसको उखाड़ना शुरू करना। हमने उखाड़ना शुरू किया, 30 सेकंड 35 सेकंड में टा साफ। मतलब जो चीज ऐसी लग रही थी कि इसको सफाई कैसे होगी, 35 सेकंड में, 1 मिनट 10 सेकंड में, 1 मिनट 15 सेकंड में पूरा, इससे भी ज्यादा मतलब अगर ये लगो चलो तो पूरा 1.5 मिनट लगा आचार्य जी।
फिर हमें लगा अगर अपने पास आदमी है, मतलब आदमी ज्यादा हो जाएंगे टास्क छोटा हो जाएगा, फिर सारा दिन खाली बैठ के क्या करोगे भाई? भाई सारा दिन बैठ के मोबाइल चलाओगे तो फिर बर्बादी की तरफ जाओगे। तो इसलिए सारा दिन खाली बैठ के या तो आप तकनीक पे काम करो, या आप नई डेवलपमेंट पे काम करो, या हाथ से काम करने के लिए कुछ करो, या कुछ नया प्रोडक्शन करो, या और कुछ नहीं है तो एंटरटेनमेंट करो, और वो नहीं है तो फिर खेल भी लो। और खेल के अंदर शरीर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सिस्टमेटिकली समाज को समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा समझने में, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपको पहले ही दिन ये घास उखाड़ने की टास्क दे दिया होता, क्या ऐसे 30 सेकंड में कर पाते हम? बताइए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका पहले दिन घास उखाड़ने वाला माइंडसेट था किसी का कि जाके हम घास पाड़ेंगे? उड़ा है वो मारतन का था, बोला दिहाड़ीदार बहुत बढ़िया ले रहे भाई, मगर तदेरी वेरा तने कुछ निपटाना हो जाए, 3 घंटे आड़ रुक गए ना तो एडर निमड़ी वाला तो पिवाणी तक घास का तिनका नहीं रहने दे रहा। और जब इस सड़क की खरपतवार नहीं रहने दिया हमने, तो जिस दिन आप 1 लाख हो जाएंगे, इस देश की खरपतवार में छोड़ना गए गया पा। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, आपके सामने कोई मुसीबत कोई समस्या समस्या रह जाए सारे मिलकर ऐसा खगाटा ठाओगे। लेकिन जो कमजोर दिल वाले हैं, जो मेहनत करना नहीं चाहते या मेहनत नहीं कर सकते, फिर उनको मेहनत के काम पे ना लगाए ना। मेरा जो सवाल था वो ये था कि मेहनत करने का काम उन्हीं का लगाएं जो मेहनत कर सकते हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। आप कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, तो आप 4 दोस्तों को और डिस्टर्ब करोगे वहां रह करके, और अपने पास डिस्टर्बेंस के लिए जगह नहीं है, फिर वही सबसे कमजोर कड़ी बन जाएगी। और सबसे कमजोर कड़ी आपके पास जो है वही संगठन, ये समझ लो संगठन की ताकत वही है, उतनी ही ताकत है अभी समझो। मतलब जो आपके पास, हम लोग जितना मर्जी जोर लगाते रहें, आप में से जो सबसे पीछे सबसे कमजोर सबसे, मतलब आप संगठन के लिए सबसे खतरनाक जो आदमी कह लो आप, वो है ना उतना ही लेवल पे है अपन संगठन इस टाइम पे। बस अगर संगठन को यहां आना है तो फिर संगठन के साथियों को, जो अपने आप को संगठन का साथी बोलते हैं, तो आप लोगों को भी फिर यही आना पड़ेगा, आपको आपका लेवल उठाना ही पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा, नहीं तो संगठन से निकलना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, या तो निकल लो या फिर निकल लो, है कि नहीं? अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको जनता सरकार मोर्चा से निकलना पड़ेगा, फिर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर हैं, फिर आप संगठन नहीं है, फिर आप एक सिर हैं खाली। अगर आप अपने सिर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप एक व्यक्ति हो ना, तो एक व्यक्ति तो 500 रुपए की दिहाड़ी पर आ जाएगा, फिर आपकी रिप्लेसमेंट तो 500 रुपए की है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने आप को, तो आपकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, फिर तो वो चेन रिएक्शन मल्टीप्लाई होता होता कहां तक पहुंच जाए, ठा 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 1 लाख लोग महीने भीतर कर दो, फिर तो नहीं। तो अगर आप केवल एक सिर मात्र हैं तो आप संगठन नहीं है। एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, पर एज ए सिर होता है, फिर वो भीड़ होता है। संगठन का साथी वही है जो संगठन में अपनी भूमिका में मल्टीप्लाई करे अपने आप को, जो जहां है वहीं से अपनी जागृति अभियान को चालू करे। केवल यहां 7 दिन के लिए आ गए, अब जाकर के फिर सुस्त पड़ गए, फायदा क्या है? आपने यहां से जाने के बाद, बल्कि जाने से पहले अगर संभव हो, आप में से कुछ साथी हैं जिनकी ट्रेन है तो वो बीच में उठकर जाएंगे, मैंने उनको बोल दिया है अब चुपचाप उठ करके निकल जाना, तो आप अपने ग्रुप लीडर को, और आपका ग्रुप लीडर अगर नहीं है तो अपने साथी को, किसी को अपना वो स्पेस दे करके जाएंगे। आपका काम है अब अगला, अपने आसपास
या तो आप 1, 2, 3, 4 जितना भी संभव हो मीटिंग्स कराइए अपने संगठन की, जनता सरकार मोर्चा की। उस मीटिंग्स में अगर आप मीटिंग करा सकते हैं मीटिंग कराएंगे, अगर आप ट्रेनिंग करा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। कुछ साथियों ने हमसे ट्रेनिंग के लिए मांगा है कि आप ट्रेनिंग हमारे यहाँ कराइए, तो अभी वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही मैं उस रिकॉर्ड को चेक करूंगा, 3, 4, 5 सितंबर तक के हमारे सारे ट्रेनिंग्स के और ये सारे प्रोग्राम फिक्स हैं। 5 सितंबर के बाद हमने किसी को समय नहीं दिया हुआ है, तो आपका प्रोग्राम देख करके आपका रूट तय करके 5 सितंबर के बाद ट्रेनिंग्स रख देंगे। और अगर हम सितंबर के 15-20 तारीख तक अगर हम लोग फिर से अगर 5-6 ट्रेनिंग 6-7 ट्रेनिंग कर दी, तो यही ट्रेनिंग अगली फिर अगले महीने हम फिर मारेंगे, देखिए शाम एंड में 7 दिन वाली है ना। तो जो साथियों में कसर रह गई थी, जैसे ये सोनू बैठा है, सुरेश बैठा है, ये बीच में भाग रहे थे, करते कुछ नहीं थे, कर जा गए ये। बस इनको क्या दिक्कत है कि यहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो हजम नहीं होती हैं। ये बात तो मैंने पहले ही दिन बताई थी, उस दिन शायद तुम लोग एब्सेंट थे, कि कुछ चीजें आपके विचार से अलग हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको नहीं समझ आएंगी क्योंकि अभी आप उस लेवल पर नहीं डेवलप हुए। पर सुनने में क्या जाता है, क्या पता 100 वाक्यों में से कोई एक वाक्य हमको समझ में आ जाए। हमें जब नोट कर रहे हैं उस व्यक्ति की बातचीत को, तो हमें अपने अंदर की कमियां, जैसे मैं एक साथी के बारे में बताता हूं, कौन था, कुलदीप था। कुलदीप ने मुझे बोला कि भाई साहब, ये बैठा, कुलदीप ने मुझे बोला कि भाई साहब मैं अपने आप को बड़ा अच्छा वक्ता मानता होता था, कि मैं बड़ा अच्छा बोलता हूं। अब जब एक सामने एक वक्ता आया और वो जब बोलने लगा, तो मैंने उसके नंबर काट दिए। नंबर काटने के बाद अचानक से मेरे को काटने के बाद मुझे ध्यान आया, मैं भी तो ऐसे ही करता हूं। तो मेरा जो मैं अपने आप को यहां मानता था, मैं अपने आप को यहां मानने लगा कि मुझे अब इंप्रूव करना है। ठीक यही अपने एक और साथी ने बोला था, अगर उसको ध्यान हो तो, हाथ खड़ा करेंगे यहां है तो, इनने तो बोला ही था, एक और था बलविंदर भी था अपना साथी। अब उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, आपकी एक्सेप्टेंस आ रही है अपने लिए, दिस इज द ग्रेटेस्ट साइन कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं अपने आप को यहां मान रहा था, लेकिन अभी जब ये सब चीजें सुन रहा हूं तो मुझे अब अपने अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत नजर आ रही है, और अब मैं इंप्रूव करके, इन्होंने मुझसे समय मांगा था कि मैं आरटीआई के ऊपर, हमारा सेशन था आरटीआई का, इसमें कि आरटीआई कैसे लगानी है उस सेशन के ऊपर, लेकिन वो हम दूसरे सेशन में कर लेंगे, तो वो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब महीने बाद मिल जाएगा, अभी इतनी जल्दी भी नहीं है अपने को। सितंबर के 30 तारीख तक हमारे पास सारे कार्यकर्ताओं को आरटीआई की नॉलेज होनी चाहिए कैसे लगानी है पूरी, और सितंबर की 30 तारीख के बाद आपने एक महीना आरटीआई, क्योंकि नवंबर की 19 तारीख को उन आरटीआईज का सबका पर्दाफाश होना है। वो सारी हर फील्ड की आरटीआईज के क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज, समझे ना, हर फील्ड के, मतलब रोड से लेकर के बीडीपीओ से, पंचायत के, दूसरे डिपार्टमेंट्स के, हेल्थ के, एजुकेशन के, सब को रगड़ने के क्वेश्चंस अपने पास तैयार है। तो वो लोग हमारे पास तैयार हो जाएंगे, इतने लोग चाहिए, क्योंकि वो आरटीआई अलग अलग जिलों से अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से जाएंगी, तो सरकार को नॉर्मलाइज लगेगा, ये एक ही आदमी लगाएगा तो दिक्कत है। हम 200 आरटीआई लगाएंगे, ठीक है ना, 200 आरटीआई, उनको वो 200 लोग लगेंगे, अगर एक ही आदमी 200 आरटीआई लगाएगा तो वो आदमी टारगेट हो जाता है उनके केस में, कि आरटीआई कार्यकर्ता है। हम आपको आरटीआई कार्यकर्ता नहीं बनने देंगे, आप रहेंगे आरटीआई कार्यकर्ता, लेकिन आपके ऊपर ठप्पा नहीं लगने देंगे, क्योंकि वो फिर आपके घर आते हैं। जब आप सरकार के किसी अधिकारी को फंसाने वाली आरटीआई डाल देते हो ना, तो आपके घर आते हैं। पहले सिर्फ फोन आता है, क्योंकि आप फोन नंबर तो लिख के आते हो, पहले केवल फोन आएगा, फिर आप नहीं मानोगे तो फिर फोन पर किसी और का फोन आएगा, उससे भी आप नहीं मानोगे तो वो लोग आपके घर आएंगे, वो अफसर आपके घर आएगा, ऐसे ही होता है ना बलिंदर भाई। क्योंकि मुझे, मैं पूरी प्रोसेस को स्टडी करके, फिर जब वो आपके घर आता है तो वो आपको बोलता है आप अपनी आरटीआई वापस ले लो,
जब आप आरटीआई वापस नहीं लेते हो तो वो आपको थोड़ा सा डराने के लहजे, पहले आपको वो मनाने के लहजे में, फिर आपको वो थोड़ा सा लालच देने के लहजे में आता है, फिर जब आप लालच भी नहीं लेते हो तो फिर आपको वो डराता है, और कई बार तो आरटीआई कार्यकर्ता को मार भी दिया जाता है अगर वो खनन माफिया का, शराब माफिया के या ड्रग्स माफिया के खिलाफ अगर बोल रहा है तो। ये पूरा माफिया है जो पूरा पॉलिटिक्स, यानी जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स के तंत्र को अगर वो ध्वस्त करता है तो वहां वो मार देता है। तो फिर जिस दिन हमारे किसी भी कार्यकर्ता के पास, अब अगर मान लो कमजोर दिल वाला और कमजोर अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति को अगर हम आरटीआई कार्यकर्ता बना दें अपना जेएसएम का, और वो उस अधिकारी से पैसे ले ले तो अपने आर्थिक तंगी के कारण, मुझे मालूम है आप आर्थिक रूप से तंग हैं, परेशान हैं, सारा जेएसएम का उद्देश्य गया धूल मिल खत्म है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सबसे कमजोर कड़ी जितनी ताकतवर है उतनी ही ताकत है अपनी। तो वो ड्यूटीज उस व्यक्ति को दी जाए जो जैसे ही अफसर घर में आता है उसी वक्त अगर वो हमको इन्फॉर्म कर दे, उसी वक्त अफसर के पास फोन चला जाए कि खाल तार लेंगे, जैसे मानस की तरफ आंगली बिठा दी तो तेरा पूरे मैग में ना इस्तीजी कर देंगे, जब छेड़ दिया था ना यू मानस, तो उसको ये पता लग जाएगा कि एक नहीं है इसके साथ में, नहीं ना, जब तक समूह नहीं चले तब तक चले, अपने आदमी को नुकसान थोड़ी होने देंगे। पहले उसको इस बार इस एंगल पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो संगठन में रहने लायक अभी हो चुका है, तो ही संगठन में उसको जिम्मेदारी दी जाए। आप संगठन के अहम हिस्सा रहोगे लेकिन जिम्मेदारी आपको तभी मिलेगी जब आप संगठन में जिम्मेदारी निभाने के लायक होंगे, क्योंकि यही अपना फंडा है, जो जिस काम के लायक है, जो जिस काम को कर सकता है और दिल से कर सकता है, फिर उसे कभी भी इस बात का दुख नहीं होगा कि जनता सरकार मोर्चा क्या कर पाया या क्या नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपना हर दिन जनता सरकार मोर्चा के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, अपनी आंतरिक खुशी के लिए जिया होगा। तो आपको कभी भी जीवन में यह महसूस नहीं होगा कि जेएसएम भी वैसा ही निकला, मुझे ये लाइन खत्म करनी है। किसी भी संगठन, हर आदमी टूटा हुआ है क्योंकि उसके संगठन के लोगों ने, जो टॉप पे जो लोग बैठे थे उन लोगों ने उनका सारा कुछ तोड़ा। हर बार ऐसे ही टूटता है, ये पैटर्न है, ये स्टाइल है, ये क्योंकि वो जो 85% लोग हैं उनको ऐसा फीड कर दिया गया कि संगठन ऐसे ही चलाया जाता है, तो वो लोग मतलब प्रथम सबसे आखिर में आने वाली चीज को सबसे पहले रख देते हैं और वहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो जिसकी जड़ों में ही सत्यानाश के वो कर दिया, सारा सिस्टम गड़बड़। तो इसको अपने को समझना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि जब आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी तो आप गांव में जाकर के लोगों को भी समझा पाएंगे, फिर आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कि ये आदमी है, इससे बात कर रहा हूं कोई फायदा नहीं है, ये इससे कोई फायदा नहीं, इससे ये है कि इसको 4 बार बताना पड़ेगा इस वाले कैसे, कि मैंने आपको बता दिया, मैं वो लाइन आपको मैं बता देता हूं जिसको मैंने कहा था कि किसी ने अगर किसी को फेवरेट मान लिया है तो जो कैटेगरी लिसनर वाली है एल, वो उस आदमी को कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब अगर वो पहले से किसी संगठन के लिए समर्पित है, पहले से किसी आदमी के लिए समर्पित है, पहले से किसी पार्टी के लिए समर्पित है, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती होगी उस व्यक्ति कर पर अभी समय ना लगाया जाए, क्योंकि वो 3 तरीके से मानता है, 3 ही तरीके से मानता है। उसका पहला तरीका है उसका जो संगठन का बॉस है वो कह दे, बस बात खत्म, तो एक आदमी फंसाना बस। दूसरा तरीका है जो इतनी सारी भीड़, यानी जिसके साथ वो लगा है उससे बड़ी भीड़ हम, यानी अपनी जनता सरकार मोर्चा की लाइन को इतनी बड़ी कर दें कि इस लाइन के साथ जुड़कर ही वो अभिमान से भर उठे कि हम जेएसएम के मेंबर हैं। और तीसरा, जब उसके उसको वो बात कम से कम 20, 30, 50 बार अलग अलग सोर्सेज से बोली जाए, मतलब उसको वही बात मैं बोलूं, वही बात जाके प्रधान जी बोल दें, वही बात जाके चैल साहब बोल दें, वही बात जाके अंकित बोल दें, वही बात कुलदीप बोल दें, वही बात नरेंद्र भाई बोल दें, मतलब वह बात कोई ना कोई व्यक्ति बार अलग अलग आए के बोले। ए सेम आदमी 50 बार बोलेगा 0 असर, लेकिन अलग अलग आदमी आकर के बोलेंगे तो असर, भाई इतने कह रहे हैं तो कुछ ठीक हुआ, भाई इतने कह रहे हैं तो
आपने देखा नहीं कुछ लोगों का अपनी फेसबुक के ऊपर दो नेगेटिव कमेंट से ही नींद आनी बंद हो जाती है। हाँ कमेंट आ रहे भाई, भरे मतलब लोग क्या कहेंगे कि उनका मेन कंसर्न है उसका लिसनर का, तो उसको वो दूसरे आदमी क्या कह रहे हैं इस पे फोकस उसका ज्यादा रहेगा। ला रहे तुझे? अब अगला स्टेप, हमने गांव को देना है 100% रोजगार। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल भी 100% रोजगार अगर आप देने जा रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एक विजुलाइज करके दिखाने के लिए कर रहा हूं, बोर्ड की जरूरत नहीं है अदरवाइज। ये उनके लिए है जो आखिरी लाइन को शुरू में पूछना चाहते हैं, बस उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगाऊंगा। मैं इस गांव को एक गांव मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक गांव है, हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। इस गांव की आबादी एवरेज मान लेते हैं लगभग 4000। 4000 से लेकर 4500 तक की आबादी का एक गांव है। इस गांव के अंदर मैंने 2-3 गांवों में रिसर्च किया, एक 1200 आबादी थी, एक 4500 थी और एक में अधूरा रह गया था, उसको हम काउंट नहीं करते, ये दो का ही काउंट करते हैं। तो मैंने इसका एक आइडिया ले लिया, हम हर घर में गए, हमने उनसे पूछा, हमारे साथियों ने पूछा उनसे, एक एक चीज पूछा, बीच में नहीं, हमने एक एक चीज पूछी कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हो वो प्रोसेस क्या है। क्या पहले नंबर पे आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई उनकी कितनी फीस है, वो कैसे जाते हैं ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे स्कूल में कैसे जाते हैं, वो ट्यूशन पे भी जाते हैं क्या, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप दवाई कहाँ से लेते हैं, सरकारी से या प्राइवेट से, जब आप ट्रैवल करते हो ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, बस से जाता है बच्चा, स्कूल बस से जा रहा है, बाइक पे छोड़ के आता है पापा, या कार में जाते हैं छोड़ने के लिए, ये सब इस टाइप से। स्वास्थ्य कितने किलोमीटर है उसका स्कूल घर से, कहाँ पर है, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें आती हैं, टेस्ट कराना है, रिजल्ट और कुछ भी करना है तो कहाँ से कितना लगता है, आपके घर में चावल की खपत कितनी है पूरे साल की, दाल की कितनी खपत है पूरे साल की, गेहूं की कितनी खपत है, पेट्रोल डीजल की कितनी है, ट्रैक्टर है कि नहीं है, खेत में काम कितने लोग करते हैं, मशीनें कितनी हैं, आदमी घर से कितने छोड़कर गए हुए हैं, आप ये किस तरह से करते हो, मतलब पूरा टोटली, दालें खरीदते हो कि अपनी उगाते हो, सब्जियां खरीदते हो कि अपनी उगाते हो, घर में पशुधन कितना है, पशुधन से जो दूध आता है उसका आप क्या करते हो, उसके बाद आप ये सारी चीजें मेहनत कश लोगों से करवाते हो या आप इनको खुद करते हो, और ऐसा करके हम अलग 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 क्वेश्चन हमने इनसे पूछे। फिर हमने उनसे ये भी पूछा कि आपके गांव से कोई गांव को छोड़कर शहर में भी गया है क्या, अगर गांव से शहर में गया था तो वो क्यों गया था, नौकरी के लिए गया था, बिजनेस के लिए गया था, बच्चों की पढ़ाई के लिए गया था, किस चीज के लिए गया था, वो वहां जब गया था तो जाकर वो खुश है क्या, वो जाकर के वहां कामयाब हो गया क्या, उसके बाद अगर उसको ऑप्शंस दिए जाएं तो वो वापस आए तो क्या वो आने के लिए तैयार है, वो आकर गांव की कुछ जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है, गांव के बुजुर्गों को या गांव के बूढ़ों को कोई स्किल आती है क्या, खाट भरना हो गया, पिड्डे भरना हो गया, बोये बनाना हो गया, दरी बनानी होगी, चिप्स बनानी होगी, अचार बनाना हो गया, पंजीरी बनानी होगी, दूध के दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, तो वो सारी चीज़ें हमने पूछी उनसे कि ये चीज़ें आप करते हो, जैसे कि मान लो हमने पूछा भाई ताई आपके आपका सबसे फेवरेट काम क्या है, यानी आप सबसे अच्छा क्या करते हो, भाई ठीक है फेवरेट तो हमने के बेरा भी, मगर जो काम करने में आपने ना कतिनु रस आंदा हो, जमा मजा आंदा हो,
और उसकी तारीफ आपकी सारे रिश्तेदार बाण भाई पड़ोसी रिश्तेदार मतलब करते हो, तो कोई बोली भाई मेरे पे ना मेरी बाण सारी सारी जर्सी मेरे पे बनवाया करें, कोई बोली कि पंजीरी में तो सारी रिश्तेदारी में तो सामान दे जाया करें मैं बनाया करूं, कोई मतलब इस तरह से आप सारे घरों में होता ही है ये सब सबके यहाँ पे कोई मंगवाता है कोई भेजता है। तो मैंने कहा ताई अगर मैं तेरी पंजीरी ने मतलब एक किलो पंजीरी पे कितना खर्चा आवे, अगर उस पर जितना खर्चा आवे मैं उस पर 20% का प्रॉफिट दे के और उसको हम लोग पूरे दुनिया में पूरे देश में अगर सेल करें और उसको एक्सपोर्ट लेवल की चीज बना दे तो भाई कौन बनाऊगा, मैं बनाऊंगा तू टेंशन ना ले, लेकिन अपा उन्हें भेजेंगे। उस टाइम पे तो मैं मतलब हम लोग अपने संगठन पे काम कर रहे थे जिसका नाम था निडर, मैं तब निडर के अंडर काम कर रहा था, ये एक्सपेंडिंग होराइजंस या निडर। तो मैंने बोला हम हमारे पास पूरा नेटवर्क है और हम करते हैं, क्योंकि गांव में एजुकेशन की ट्रेनिंग लिए हुए बहुत युवा थे, मेरा प्लान था कि उन सबको लगा के और फिर हम लोग वो बढ़ा देंगे। जीएसएम में थोड़ा सा चक्कर क्या है, उन लोगों को वो डर लगता है, एजुकेशन पे तो कोई भी आदमी नौकरी करने वाला समाज में का पढ़ा लिखा आदमी, आजकल पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं सबसे डरपोक होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिया ना वो उतना ही डरने लग गया, जो नौकरी लग गया वो उतना ही डरने लग गया। तो जेएसएम का मतलब अभी आज के टाइम में बगावत है, जिस दिन जेएसएम का मतलब निर्माण की तरफ यानी कि इमेज जो है बगावत से निर्माण की आने शुरू हो जाएगी, आपकी जो संख्या है ट्रेंड लोगों की संख्या इमीजिएटली कई गुना हो जाएगी, क्योंकि इतने ही युवा ऑलरेडी तैयार भी हैं गांव के अंदर पहले से किए हुए रखे हुए हैं, मतलब जो कर सामान कर मैं लठ के तेल पे आगे दर दिया करें ना निधर रखा बन कि जिस दिन किसी गट्टे मारने का टाइम आवा टक देसी आवेंगे लेकर के एक ही कॉल देनी है बस। जो नए आप में से जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग की है ये जेएसएम बनने के बाद करी है वो लोग तो हमारे साथ आए हुए हैं, लेकिन जिन्होंने पिछले 10 सालों में जो ट्रेनिंग करी है वो लोग सर जी कदे न्यू हो जाए मखा जिप तरह फील हो ना अंदर से कि आना चाहिए जब आई हो, और मैं भी उसी दिन कॉल देऊंगा, मैं अपनी तरफ से कॉल नहीं दूंगा, अपने आप आना चाहो तो आ जाओ, है एक आधा साथी बीच बीच में से निकल आता है 18 वाला 19 वाला 17 वाले बैच का, लेकिन आपने मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपकी जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ना उससे कई गुना ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, समझ गए ना, यानी आप जितनी स्पीड से अनुमान लगाओगे उससे फास्ट चलेंगे अपन, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड। अब ये जब खर्चा बताया हमने तो हमने कैलकुलेट किया कि महीने का लगभग लगभग 53 लाख रुपया इस गांव का जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई पर खर्च हो रहा है महीने का 53 लाख। मैंने कैलकुलेट करके बताया कि क्योंकि 53 लाख का मतलब क्या था कि 4500 के गांव में लगभग 1300 बच्चा है जो स्कूल में जाता है गांव से बाहर, गांव से बाहर पढ़ने जाता है, वो पड़ोस के गांव में भी हो सकता है नजदीक के शहर में भी हो सकता है दूर वाले शहर में भी हो सकता है, यानी तहसील में भी और तहसील के बाद जिले में भी हो सकता है। तो जब वो वहां जाते हैं तो उन बच्चों का हमने ये एवरेज लगाया 1300 कुछ रुपए, तो टोटल ये रुपया निकल के आया, मतलब हमने पूछा एग्जैक्टली फीस कितनी है ट्यूशन पे कितना ट्रांसपोर्ट पे कितना वो सारा कैलकुलेट किया। अब ये एवरेज लगभग लगभग 4000 रुपए के एवरेज पड़ती है एक बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा, इतना तो आ ही जाता होगा जी, टेल भी काउंट करे बस का भी काउंट करे वो सारा ज्यादा आता है, कई जगह 800-700 रुपए भी फीस है इसलिए कह रहा हूं, इसलिए वो एवरेज इतनी आ जाती है 4000 रुपए महीना। तो अब मैं उसको ये कह रहा हूं कि यदि मान लो हम गांव में ही एक ऐसा स्कूल या एक ऐसा सिस्टम खोल दें कि आपके बच्चे के रोजगार की गारंटी हम दे दें तो क्या आप इस 4000 में से कुछ अंशदान अपने गांव के सरकारी स्कूल में लगाने को तैयार हो, बताओ भाई कोई मना करेगा, मुझे आज तक एक भी मां बाप नहीं मिला जिसने मना किया हो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं 53 लाख रुपए महीने का मतलब है लगभग लगभग 6 करोड़ रुपया सालाना एक साल का, और मैंने उस गांव के अंदर कैलकुलेट करके बताया कि पिछले 5 सालों में तुम 30-35 करोड़ रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई पे खर्च कर चुके हो सारा गांव मिलके,
और 30-35 करोड़ रुपए में पिछले 5 साल में कितने बच्चों को नौकरी मिली है, या कितने बच्चों को जिस काम के लिए तुमने दौड़ाया था कितने बच्चों को वो रोजगार मिला है, तो कैलकुलेशन निकल के आती है 5 से लेके 10। समझ रहे हो? मतलब सक्सेस रेट 0 के बराबर है। हजारों बच्चा बर्बाद हो रहा है। तो मैंने बताया कि वहां तो 0% सक्सेस रेट है या ज्यादा से ज्यादा 1% सक्सेस रेट है, और यहां 100% की गारंटी दे रहे हैं, तो कौन मना करेगा भाई? फिर मैंने इनसे पूछा भाई जिस दिन, मान लो जिस दिन आपका बच्चा आपके गांव के स्कूल में पढ़ने लग गया, आपके बच्चे के पास कम से कम 4 घंटे ट्रैवलिंग के बच गए, बचे के नहीं बचे? जो वो सिर्फ ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है, ट्यूशन नहीं पढ़ेगा हमारा कोई भी बच्चा 2 घंटे ट्यूशन के, तो कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। उस 6 घंटे में अगर हम उससे 2 घंटे काम करवाएं उस टैलेंट की ट्रेनिंग का जिसके लिए वो पैदा हुआ है, 2 घंटे काम कराएं उसको आत्म सम्मान से जी करके सिखाने का कि तेरा बनाया हुआ पिड्डा भी हम बेचांगे, तेरा बनाया हुआ छाज भी हम बेचांगे, तेरा बनाया हुई कुर्सी भी हम बेचांगे, उस बच्चे की बनाई हुई, बच्चा तो बड़ा कमाल का होता, आपने देखा नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा भाई साहब, 9वीं क्लास का बच्चा अपना तौलिया, अपना परना, अपने पजामे का कपड़ा अपने हाथ से हथकरघा से बना के, और न्यू राजी, और मैंने बनाया और मेरा परना 50 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का बिका, बेचर पूरे महीने में मतलब अपनी पढ़ाई भी मौज कर रहा है और अपना आत्म सम्मान से जी भी रहा है, और थोड़े दिन में समझने के बाद वो सिखाने लग जाता है। अपने गांव में यूज होने वाला मैक्सिमम कपड़ा अपने हाथ से अपने गांव में बिना पैसे के, बिना किसी उद्योग के, बिना पेट्रोल डीजल के खर्चे के, बिना बिजली के खर्चे के अपने गांव में हमारे बच्चे बना सकते हैं। ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कागज बनाने की तकनीक इस टाइम पे मौजूद है अपने पास में जनता सरकार मोर्चा के पास, कि अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर का कागज ले लो, 4 कोणों से उसको पकड़ो, और एक आदमी अगर फुल 50-60 किलो का आदमी उसके ऊपर बैठ जाए तो फटेगा नहीं, और कागज की मियाद होएगी लगभग 1000 से 1500 साल तक। ऐसा कागज हम अपने हाथ से बना सकते हैं, और कमाल की बात, एक पेड़ नहीं काटना और एक चीज यूज नहीं करनी, केवल कबाड़ 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 यूज करके, केवल कबाड़ से, पेड़ों से, पहाड़ों से ऐसी डाई लेके आप आ लिए कि हम अपने घर के अंदर स्याही बनाएंगे, और वो स्याही 2000 साल से पहले बिल्कुल भी चमक कम नहीं होगी, सारे रंग नेचुरल, एक केमिकल का इस्तेमाल नहीं, एक मशीन का इस्तेमाल नहीं, स्याही भी अपनी, पेपर भी अपना। उसके बाद जो पुराने ग्रंथ हमारे पास पड़े हैं उन ग्रंथों के संरक्षण के लिए हमने कई जगह पर ऐसे कार्यक्रम का प्रैक्टिकल क्रिया होते हुए देखा कि एक बच्चे को एक श्लोक लिखने का 11 रुपया दे रहे हैं, तो हमारे बालक ने दिन में 10 श्लोक लिख लिए, 110 रुपए की मौज होगी, और फिर उस 110 रुपए न जाके न जमा करवा दे बैंक में और कह दे इसका भुगतान करो 1882 के कानून के हिसाब से। ये नहीं, अपा सारे बैंकों ने मात्र 10 रुपए के नोट तक खरीद सका जब बैंक हमारे को 10 रुपए की भुगतान कर दे। तो अब आप ये सोचो कि छोटे बच्चे, उस बच्चे को, उस बच्चे के पास 2 घंटे अपनी स्किल के मिल गए, 2 घंटे अपने कमाई के मिल गए, और 2 घंटे खेलने के मिल गए, ये 6 घंटे उसको बाहर से कहीं से लाने पड़े, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बच्चे की स्किल कौन सी है, वो हैंडराइटिंग कैसी रहेगी, वो हैंडराइटिंग के लिए कौन सा बच्चा है, हथकरघा चलाने के लिए कौन सा बच्चा है, साइकिल बनाने के लिए कौन सा बच्चा है, रेडियो पे काम करने के लिए कौन सा बच्चा है, अपना टीवी गांव में बनाने का कौन सा बालक है, अपना सामान, अपना चश्मा, अपने जूते, अपना पेन, अपनी झाड़ू, अपनी बाल्टी, अपना सामान, अपना लकड़ी, अपने बोइए, अपनी खाट, अपना यो बनाने के कितने लोग हैं। जिस दिन गांव को समझा दिया कि डबल बेड तुम्हारे स्वास्थ्य के सत्यानाश का कारण है, उसी दिन गांव ने खाट की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने गांव में बना सको, नहीं तो अमेज़न पर खरीदने जाओगे तो 5000 की 10000 की पाओगी।
ठीक, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो साथ में पैरेलल में आप अपना जंगल उगाने के लिए भी उनको तैयार कर लेंगे। गांव कवेगा, गांव के पास जमीन पंचायती जमीन नहीं है, जिस दिन 19 नवंबर को वहां खड़े होंगे ना भाई साहब, सबसे पहली डिमांड ये होगी कि एक कलम से जितनी पंचायती और सामूहिक जमीन सरकार ने अपने नाम करी है लाल डोरा तोड़ के, सबकी वापस पंचायत के नाम वापस करो, नहीं तो गड़बड़ नहीं उठना हमने एकदम भी। बताओ कौन सी पंचायत नहीं आएगी आपके साथ, बताओ है कोई पंचायत जो कह देगी कि ना भाई जमीन सरकार रख ले? एक ही दिन में मतलब इनके पैरों के तले की जमीन काट देंगे आप, समझ गए ना, जमीन अपने पास आ गई वापस, पंचायती जमीन नहीं आई मान लो तो हम गांव को, हम ये भी मान के चलते हैं कि ये नहीं आई तो हम अपने गांव के अंदर अपना जंगल जो है वो हर किसी से अगर जैसे 100 गज भी जमीन लेवांगे तो अपना बना सके, आप जंगल बन गया तो जंगल में बूटियां भी आ जाएंगी, जंगल में गाय के चरने के लिए जगह भी आ जाएगी, गाय के संवर्धन के लिए भी जोर नहीं लाना पड़ेगा, तो अपना जोड़ भी खोदने तैयार कर लेंगे, अपने सब तैयार हो जाएंगे मेंटली अगर उनको तैयार कर दिया तो। और मेंटली तैयार करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, समझ, समझ और समझ। बिना समझे अपनी तोड़ में अपने हिसाब से लोगों ने समझाना जाओगे नहीं, समझ मावा भाई लोगों का आपकी बात, फिर आपको साल दो साल के बाद यही कहना पड़ेगा बाकी लोगों की तरह कोई नहीं समझता, लोग तो बकायदे मानना है, लोग बकायदे नहीं मानते भाई, लोग समझने को तैयार हैं, कोई भी नहीं है जो अपने बच्चे की बर्बादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कोई भी नहीं है जिसको पता ना हो कि नाश होने लग रहा है लेकिन अंदर से उम्मीद नहीं है कि कैसे होगा। आज से पहले धोखे इतने मिल लिए तो उसको हर नए आदमी के अंदर एक धोखेबाज नजर आता है, तो जब जनता सरकार मोर्चा का साथी जाएगा ना उसको एक डायलॉग सबसे ज्यादा सुनना पड़ेगा, ये भी ऐसे ही निकलेंगे देख लेना, यू नया केजरीवाल बनेगा, यू नया फलाना बनेगा, यू तो पार्टी बनाऊगा, यू तो इलेक्शन लड़ेगा, यो सुनने को मिलेगा आपको। और ये सारी की सारी गेम प्लान है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं ये भी पता नहीं है, क्योंकि जब वो अपने उस आदमी से बात करते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं कि जी न्यू रिन्यू करके जनता सरकार मोर्चा वाले भी लाग रहे हैं, अरे हो ये भी इलेक्शन लड़ेंगे देख लियो थम, फिर वो उस अपने बॉस वाली बात फिर में प्रचारित करने शुरू करते हैं सारे के सारे लगे, जो उनका बॉस कब है, वो बॉस उनका धर्मगुरु हो, वो बॉस मंदिर का बाबा हो, वो बॉस मस्जिद का मौलवी हो, वो बॉस उनका पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, वो बॉस उनके नौकरी करने वाला हो, जहां भी हो वो बॉस, मतलब जिसको वो इंटेलिजेंट समझते हैं या कोई सामाजिक आदमी हो, जिसको भी वो मानते हैं कि ये आदमी ठीक बात कहता है। मैंने जब ये पूछा कि आपके गांव से कौन शहर छोड़ के गया था, और जब मैंने नंबर लिया उस बंदे का और उसको फोन किया कि भाई तू कब गया था शहर में, यहाँ गया था, कहाँ जाता, पानीपत कितने, क्या काम करता है, मैं गद्दे बनाने की फैक्ट्री में काम करता हूँ, कितनी तनख्वाह मिलती है, 45,000 रुपये मिलती है, कितने पैसे बचते हैं, बचना बचना तो ऐसा है जी, किराए पर रहा हाँ, बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा हो जाए, सारा हो जाए, बड़कन है, शुद्ध हवा में सांस लेने को कहता है, सांस लेते हैं आपके बच्चे या फिर प्रदूषण, अरे प्रदूषण ही प्रदूषण है जी शहर में तो, अच्छा बच्चे सुरक्षित हैं कि सुरक्षित कहाँ से जी शहर के अंदर, पढ़ाई से संतुष्ट है, कड़े जी पढ़ाई तो भी रहेगी इन स्कूल में, रोजगार के प्रति आश्वस्त है, और तो जी क्या करा जी, दिहाड़ी करनी तो यहीं करांगे जी। अच्छा अगर मान लो मैं आपके बच्चे के पढ़ाई का इंतजाम कर दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे के पढ़ने के बाद समाज में स्थापित करने का काम की गारंटी ले लूं, और तेरे बच्चे को प्रैक्टिकली करा, और गांव में एक गद्दे की ही फैक्ट्री खोल लें तो तू संभाल लेगा, लेकिन हम 10,000-15,000 भी नहीं दे सकते भाई, थोड़ा 10-15,000 से ऊपर नहीं दे पाएंगे फैक्ट्री में, क्योंकि एक फैक्ट्री लगने में कितना खर्चा आता है जी, 50,000 रुपये से बिना मशीन की, मशीन 2,00,000 की आवाज स्टार्टिंग करने के लिए, इतने रुपये में गद्दे की फैक्ट्री खुल जाए। तो मैंने बोला फिर तो अगर खोल लिया तो 10,000-15,000 रुपये तो फालतू नहीं दे पाएंगे हम, नो बोला जी 10-15,000 भी तो मेरे बचेंगे, जब बालक मेरा फ्री बटन लाग रहा, हेल्थ मेरी फ्रीमा होगी, मैंने घर की सब्जी मिलगी खाने, शुद्ध हवा मिलगी,
मना मोटरसाइकिल का पेंडा छुट गया, भीड़ का पेंडा छुट गया, किसी की जी अजूरी करने का पेंडा छुट गया, काम के काम में रंग लिया भाईचारे में, इससे बढ़िया तो जिंदगी नहीं जी, मैं तो काल नाऊ छोड़ गया यार, तो लोग तो तैयार बैठे गांव छोड़ के शहर छोड़ के आने के लिए, उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि गांव में जाएंगे तो करेंगे के, क्योंकि गांव के लोग स्वागत के लिए बाहें नहीं पसार रहे, क्योंकि जिस वक्त गांव बर्बाद हो रहा था वो गांव छोड़ के भाग गए थे शहर में, कि गांव में कुछ नहीं धराइए क्या, कह गांव में कुछ नहीं रखा ऐसा बोल के। इसलिए जब मैंने इसी तरह के कई लोगों से बात करी जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए शहर में गए हुए थे, तो मैंने देखा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये कहता हो कि अगर ऐसा हो जाए और आपकी योजना है तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो अब मुझे सिर्फ ये बता दो, आप सिर्फ ये बता दो कि मशीन, अगर ये मैं स्कूल की बात कर लूं, 6 करोड़ रुपए सालाना का बजट है, 6 करोड़ रुपए सालाना का बजट है, और मैं ये कहता हूं कि हम एक इस तरह की कमेटी बना के काम करेंगे कि पूरे गांव में, मतलब इसमें पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा बड़ा ब्लूप्रिंट है वैसे इसके ऊपर, लेकिन मैं छोटे लेवल पे ये बता देता हूं, गांव के हर पेरेंट को तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसके अंदर मजबूरी में। मजबूरी में कैसे, कि जब ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई साहब हर रोज 5 माँ बाप की ड्यूटी होगी, या 10 की हो जाए या 5 की, जैसे अपन 6 का ग्रुप बनाया था ना, हमारी ड्यूटी है देखने की कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, 5 माँ बाप की ड्यूटी होगी, वो 5ों माँ बाप उस दिन अपना पूरा 24 का 24 घंटे अपने गांव को देंगे, रात की निगरानी भी वही करेंगे 5 माँ बाप, बच्चों पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो पूरे स्कूल की निगरानी भी वही देख के आएंगे, जोड़ की निगरानी भी वो देख के आएंगे, अस्पताल की भी वो देख के आएंगे, 5 माँ बाप रोज की रोज घर से निकलेंगे और पूरी चीजों की निगरानी करके आएंगे, और वहां रजिस्टर रखा होगा, जो भी कमी नजर आए उस रजिस्टर में एंटर करेंगे, किसी से बात नहीं करनी, किसी को बोलना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, किसी तक कुछ कहना नहीं, और उसमें रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी या कमी है भाई, क्या एक एक करके सारी कमियां दूर नहीं हो सकती। और गांव में अगर 4,000 की संख्या है तो लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि 800 के करीब घर होते हैं, 4,000 जनसंख्या में 800 से लेके 1,000 तक, 800 से लेके 1,000 ले लो, और 5 पेरेंट की 5 परिवारों की एक दिन ड्यूटी लगती है तो 200 दिन में उसकी ड्यूटी आएगी, यानी साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार वो गांव के लिए ड्यूटी देगा, क्या वो अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकता भाई, 24 घंटे निगरानी में रह सकता है सारा कार्यक्रम, 24 आवर निगरानी, अभी तो आजकल तो कोई नहीं है ना निगरानी में, तो आपके बच्चे के लिए भी हो रहा है तो आपके आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपके बच्चे के लिए और तो आपकी ड्यूटी बनती है, जहां जो गलत हो रहा है वहां एंट्री करो, फिर गांव की ग्राम सभा में वह सारी की सारी रेजोल्यूशन पास करेंगे, ये कमियां निकल के आई हैं, कौन सी कमियां पैसे से दूर होंगी, कौन सी कमियां भाईचारे से दूर होंगी, कौन सी कमियां जबान से दूर होंगी, कौन सी कमियां किससे होंगी, कर करके टिक 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 जो रह जाए उसके लिए फिर अपन बैठे हैं जनता सरकार मोर्चा वाले, बाकी गांव संभाल ले, गांव संभाल नहीं सकता क्या, एक प्रॉब्लम ना छोटा है, चाहे न्याय की हो, चाहे जोड़ की हो, चाहे खेत की हो, चाहे गाय की हो, चाहे क्या की भी हो, कुछ मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये अपने पास आ गया खेल का, 6 करोड़ रुपए का बजट है अपने पास, भाई जितने पैसे आप देने लग रहे थे उतने पैसे आप स्कूल को मत दो, हम गांव वालों को हमने क्या बोला कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या आप इसके लिए तैयार है, मैं आपको बताऊं मैंने जितने पेरेंट्स से पूछा एवरीबडी वॉज रेडी, मैंने क्या कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जितना पैसा आप स्कूल को देते हो उतना पैसा आप स्कूल को मत दो, अभी से बंद कर दो, हमें भी मत दो, स्कूल को भी नहीं देना, मेरे को भी नहीं देना, जैसे आप लोन वाले केस में कहा है ना भाई, बैंक तो देना बंद कर दे, जब तेरा बचन लागेगा तो तू आपको दे देगा, मरता है तेरी बचत होएगी तो कहां जाएगा पैसा लेगा, जब तेरे बच्चे के लिए करन लाग रहे हैं क्या टेंशन है, जब ईमानदारी और पारदर्शिता है ना भाई साहब, मेरे को मैंने इतना देखा है, अगर आपके अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता है तो कोई भी आदमी पीछे नहीं हटता मदद करने से, कोई आदमी अपने कंट्रीब्यूशन से पीछे नहीं हटता, चाहे वो कुछ करना पड़े भाई समाज के अंदर खड़ा होना है, और एक आधा आदमी इतना बढ़िया पावे, वो कल मैंने वो कहा था भाई जिस पे मान लो टी शर्ट के पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं आप ले लो, एक दो साथी से मिल गए जो बोले ले जी, 2 आदमी जिन पर पीछे नहीं थे उनके मैंने दे दिए,
बताओ भाई, सब तरह के लोग हैं अपने पास, सब पैरेलल हो जाएगा। एक आधा अभाव में है तो एक आधा भाव में भी है, बढ़िया। तो कोई मतलब 1% भी समाज से की तरफ से हमारे को दुखी होने की या निराश होने की जरूरत नहीं। समाज तैयार बैठा है आपके, आपके इंतजार में बैठा है, कोई आए तो जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके। उन्हें बेचारे का नहीं समझ मान दी यार, इतनी लंबी बात, इतनी बड़ी बात, उसके उसके दोनों समझ में आवा, मशीन भी नहीं समझ मान दी, उसका दुकान भी नहीं समझ मान दी यार उसके दोनों। मैं ये बता रहा हूं लिसनर आगे, तो नहीं वो भी समझ में नहीं आती, आपके घर में ऐसा बालक होगा, मैं आपने बताऊं, वो इसलिए बताऊं कि भाई साहब वो उस लाइन से बाहर जिंदगी में कभी नहीं जा पाएंगे। वो दो एक लाइन और रह गई थी, मैंने वह बतानी रह गई थी, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताऊं था, जो सेकंड इन कमांड वाली, वो दोनों चीजें बताता हूं। अगर आप उस बच्चे को ये कह दोगे ना, बेटा तू पढ़ लेना कुछ, जैसे मान लो बच्चा टीवी देख रहा है या मोबाइल में लग रहा है और उसका पापा आ गया, अचानक से उसका मोबाइल या टीवी का रिमोट छीन के उसको बोलता चल जाके कुछ पढ़ ले, तो वो बच्चा जाएगा, वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ देगा और फिर अचानक से दिमाग में होगा न्यू तो कहा था पढ़ ले, के पढ़ना, न्यू तो कौन बताया भाई, ऐसा तो बताया था कि पढ़ ले, क्या पढ़ना है वो तो नहीं पता। अगर आपने कह दिया मैथ पढ़ ले, तो फिर नहीं कहूंगा चल मैथ, मैथ की किताब निकल जाएगी, फिर इसमें तो क्या पढ़ना है ये तो नहीं बताया। अगर ये बता दिया कि मैथ की किताब में से चौथा चैप्टर कर ले, तो मैथ की किताब में चौथा चैप्टर खुल जाएगा। अब चौथा चैप्टर खुल गया, अब समझ में आया कि यार कहीं एक्सरसाइज है इसमें, तो ये कैसे करूं, कौन सी करनी पहले कौन सी बाद में, तो सारी कर रखी वैसे तो, करनी कितने सवाल करने, फिर बता देगा कि एक काम कर तीसरी एक्सरसाइज के 10 सवाल कर ले, 10 सवाल कर ले शुरू कर दिए। इस बच्चे की दिक्कत क्या है कि ये बच्चा जब किसी काम को शुरू करता है तो पूरे जोश के साथ करता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद इसका जोश ठंडा पड़ जाता है। ये नेचुरल है, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, ठीक। अब वो जोश के साथ शुरू करा था, पहले सवाल था, दूसरे सवाल, तीसरे पर जाके दिमाग में होगा ये तो कहा ही नहीं पापा ने कि कितनी देर में करना है, अगर आपने ये कह दिया कि ये 10 के 10 सवाल जो है आधे घंटे में या 1 घंटे में करके दिखा, तो करके दिखा देगा। और आप उस टाइम पे कोई और काम करने लग रहे फोन पे हो और वो दिखाने के लिए आपके पास आया और आप देख नहीं पाए, तो अगली बार तो करे ही नहीं भाई, यानी इसके ऊपर इतनी ड्यूटी की निगरानी रखनी पड़ेगी अपने को, समझ गए। और दूसरा बिंदु इसका क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बंदे के अंदर खुद से कभी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। जैसे ये कह रहे थे भाई साहब, क्या नाम आपका, हाँ जी सज्जन, सज्जन भाई कह रहे थे फतेहाबाद से, फतेहाबाद से ना, ये कह रहे थे, इन्होंने आके मुझे एक बात बोली, बोले जी डॉक्टर साहब हमने काम नहीं पावे के करना, हम तैयार हैं 24 घंटे, नहीं बताओगे तो हम कुछ नहीं करांगे, बताना पड़ेगा। फिर मैंने इनको ये कह दिया, फिर ठीक है आपके जिम्मे एक काम है कि आपने मेरे तो बताना है कि मैंने क्या बताना है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे इतना मैं भी नहीं बताऊंगा, समझ गए ना, इनिशिएटिव आपकी तरफ से ही आएगा। इसीलिए मैंने ये आपको लिखने की जो बात बताई है, ये बताई है कि आपको लिखना है। आपको मान लो ये लगता है कि भाई देवेंद्र बड़ा बिजी होगा इस टाइम पे, पता नहीं मैसेज देखेगा कि नहीं देखेगा, बात उसके पास प्रोग्राम के लिए समय होगा कि नहीं होगा, आपका काम है मैसेज करके छोड़ देना, समझ गए ना, आपका इतना ही काम है बस, बाकी काम मैं फिर अपने आप देख लूंगा। आप जो बात कहना चाह रहे हो वॉइस मैसेज में भेज दो या मैसेज करके छोड़ दो, बाकी काम मैं अपने आप, भाई मैं अपने आप नोट करके आपको टाइम बता दूंगा, अपनी प्रेफरेंस बता दो। तो ये जो बच्चा है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको अगर आप जिम्मेदारी की बात कहोगे, जब तक वो जो बात नहीं कही थी वो अधूरी रह गई थी, कि वो लड़की कह रही थी कि मैं तो अपने घर पे जो है ना रानी की तरह रहा करती है ना, अब उसके घर में भी एक लड़की या एक लड़का भी तो हो सकता है, उसका बालक भी वैसा हो सकता है कि वो एक हाथ ना लाता हो, कि भाई
तेरे को दिखाई नहीं देता ये काम पेंडिंग पड़ा, तेरे को दिखाई नहीं देता ये करना ये करना ये करना, किसी का समझ में नहीं आवे, तो फिर लेकिन अचानक से, और वो माँ बाप बड़े परेशान है कि इस बालक के समझ में नहीं आ रहा यार, ये अपने आप से उठ के नहीं आ रहा, अचानक से मान लो माँ बीमार हो जाती है, उसी टाइम उसका बच्चा इतना एक्टिव हो जाता है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, खाना भी खुद बनाना, भाई के लिए भी पैक करना, सारे काम करना, फिर वो ज्ञान कहां से आता है उसको अचानक से? हुआ कभी ऐसा आप लोगों के साथ, किसी के साथ हुआ? इतने सारे देखो एग्जाम्पल है कि पहले वो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, और जैसे ही वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैब में उससे ऊपर वाला बंदा है जिसने जिम्मेदारी ले रखी थी, जैसे ही वो बीमार होता है वो अपने आप सारी कमान ले लेता है। लेकिन जब वो सारी कमान लेता है, उस कमान के वक्त के लिए उसको ट्रेंड अगर माँ बाप ने नहीं किया तो वो दूध भी काटेगा किचन में, वो पानी भी बाल्टी खुली छोड़ेगा, वो सारी चीज तोड़ फोड़ करेगा, लेकिन वो काम में कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन काम करेगा सारे उल्टे, क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी शुरू में। वो ट्रेंड करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस आपको मैं सेकंड लेवल की ट्रेनिंग जो एजुकेशन वाली होगी उसमें दूंगा कि ट्रेंड कैसे करना है, इस बच्चे को कैसे डील करना, इसको कैसे डील करना, और वो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी करूं, ठीक है ना? तब तक अपना यो बारिश वारिश भी थम जाएगी, आप फिर शिमला में ही रखेंगे, फिर इससे अगली तो ट्रेनिंग आपकी शिमला में पक्का करेंगे, गारंटी। अब अपने पास 6 करोड़ रुपए साल के पड़े हैं, क्या आप अपने गांव के स्कूल को संगमरमर का नहीं बना सकते? किसाए बना लो है, किसाए बना लो, जितने बच्चे खेलने वाले हैं, मैं आपको इसके खर्चा बता रहा हूं, स्कूल का खर्चा, अगर 20 बच्चों पे एक टीचर रखे ना, अगर पूरा गांव के 20 तो ऊपर एक बच्चे एक टीचर नहीं रखना, तो 1300 बच्चों पे मात्र 65 टीचर रखने पड़ेंगे, 65 टीचर्स। और अगर वो गांव का ही बच्चा है जिसका एक सिंगल पैसा किसी भी चीज के लिए खर्च नहीं हो रहा, तो भाई साहब उसको अगर हम, वैसे तो 30,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो काम तो 10,000 में भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एजुकेशन के जो ट्रेनिंग करे हुए बंदे हैं ना, केवल उन्हीं को टीचर लगाएंगे। ये वाली ट्रेनिंग जिसने कर रखी होगी केवल वो लगेगा, और जो आदमी ये वाली ट्रेनिंग कर लेगा उसमें टीचिंग के लिए वही जाएगा जिसको बच्चों से प्यार है, और जिसको बच्चों से प्यार है उसने बच्चे मिल जाए, उन्हें पीछे के सिर में मारने हैं, उसको तो सारी चीज, उन्हें तो सारा दिन उसका तो मौज में गया, तड़के उठ के अपना बालका में खेलने लग जाए, शाम तक अपना बालका में खेल गाजेगा, जो सामान है उसमें गाम राम देने में क्या दिक्कत है, गाम राम उसके लिए सारी तैयारियां कर देगा, जो पहले होया करता था गुरु के लिए, कि गुरु को सम्मान मिलता था, उसके जरूरत की सारे सामान समाज तय करता था, जब जरूरत नहीं गुरु ने क्या की, अपना टैक्सेशन ही खत्म कर दिया जब गांव ने, अपने इस योजना के अंदर, अपने ब्लूप्रिंट के अंदर हमने सरकार की किसी भी एजेंसी को कोई सिंगल रुपया टैक्स नहीं पे करना है। अब गांव में से पैसा शहर ना जाए, सरकार के पास टैक्स ना जाए, और हम अपना सारा काम अपने गांव में ही कर लिया, क्या की कसर रहेगी भाई? आ गया रामराज, आया कि नहीं आया है? क्या करते भाई, कसर बताओ क्या रहेगी? जब हमने नियम तय कर लिया कि गलत गलत है, सही सही है, और आपका बच्चा और मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे गांव के सबसे गरीब आदमी का बच्चा और चाहे गांव के सबसे अमीर आदमी का बच्चा, बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसके बाप को देख के ट्रीट नहीं होगा, समस्याओं बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा उसी टाइम। जब गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक ही साथ पढ़ता है ना, तो बच्चे को समाज की सारी स्थितियों का पता रहता है जी, ना जरूरत नहीं है जी, मान्यता की जरूरत, अब बैठिए प्लीज, देखिए कमाल की बात, मान्यता की जरूरत आपको किसके लिए पड़ती है? उस कागज के टुकड़े के लिए, क्योंकि आपको नौकरी करनी है। हमारा बच्चा नौकर बनने के लिए पैदा हुआ ही नहीं, हमारे स्कूल में कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, हमारे यहां स्किल सेट होंगे, सारे स्किल सिखाएंगे, और जितने स्किल सिखाएंगे
हर जगह पे किसी भी स्किल की फैक्ट्री में जाकर जितना उसका जी करे उतना काम कर सके, अपना जीवन चला सके, कहीं भी जहां उसका जी करे, जहां जहां का सर्टिफिकेट लेना छुट्टी भाई। इसमें सिंपल है, समाज के लिए काम करो, समाज आपके लिए कर रहा, बात खत्म। तनख्वाह कहां से आती है? डीसी की तनख्वाह किस लिए किससे आती है? हमारे से मतलब समाज से। यानी उसको काम किसके लिए करना था? समाज के लिए। कर किसके लिए रहा वो? नेता के लिए। यही काम पुलिस कर रही है। होना यह चाहिए था कि वो समाज के लिए काम करें और समाज उनका घर का ठिका ला ले। थ्योरी यही थी, उन्होंने हमारी थ्योरी को पैसे में कन्वर्ट करा, पैसे के साथ डील करना स्टार्ट करा। नहीं तो चीजें सारी की सारी, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी मौजूद थी। ऐसे ही स्वास्थ्य का देखा हमने, हेल्थ में मैंने पूछा जब कि आपके गांव में कितना पैसा खर्च होता है सिर्फ सिंपल बॉडी के टेस्ट कराने में, तो मैंने कैलकुलेट किया था इसी गांव का लगभग 32-33 लाख रुपया साल का आता, महीने का आता था, तो साल का बनता था लगभग 3-4 करोड़ रुपया। अब 4 करोड़ रुपया आप केवल हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 2 करोड़ रुपए में तो MRI की मशीन आ जाएगी अपने गांव के पास, अपनी अपना अस्पताल खोल लो यार इतने रुपए में, तो जितना जैसा मर्जी हमारे पास, तो अब डॉक्टरों की कमी थोड़ी रहेगी, आप सारी पैथियां तैयार कर देंगे हर गांव में 2-4 डॉक्टर सारी पैथियों के, जिसके कुछ हो जाए आ जाओ भाई, टेंशन खत्म, पैसे का रोड़ा खत्म हो गया। नहीं हो सकता क्या? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्या? बस ये जो लोग बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है ना, इसमें मान लो मैं ज्यादा सीरियस हूं और आपको ट्रेनिंग मिल गई, आप थोड़े कम सीरियस हैं, फिर अगला कम सीरियस हो जाए, फिर अगला कम सीरियस हो जाए, ऐसे खराब हो जाएगा काम। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे निकल आए जिनमें इतना ही डेडिकेशन और इतना ही जज्बा हो, तो फिर यह मुहिम कदम भी नीचे नहीं जाओगी। जब तक ये एक आदमी करता रहेगा तब तक ये खतरा है, इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसके हमारा जो पहले दिन टारगेट था कि हमको कम से कम 1000 राजीव दीक्षित जैसे लोग तैयार करने हैं, 1000 लोग। अब अगर वो अगपा तैयार नहीं कर पाए जो उसी शिद्दत से बोल सके जैसे वो बोलते थे, उसी शिद्दत से अपने घर से निकल सके, फिर आप व्यवस्थाओं से नहीं लड़ पाएंगे, फिर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा अपने पास। हेल्थ वाले में जब मैंने पूछा, एक लैब टेक्नीशियन वही गांव का ही था, नाम था उसका नरेंद्र, मैंने उससे पूछा नरेंद्र भाई आपकी जो लैब है वह कितने रुपए में स्टेब्लिश हो जाए, कितने टेस्ट कितने दिन तक कितने गांव के कर सका है? तो उसने ये बताया कि 5000 लोग अगर गांव के हैं तो मैं 10 रुपया पर व्यक्ति यानी 50,000 रुपये में पूरा महीना जुड़ से टेस्ट बेसिक हैं, लगभग 600 के करीब टेस्ट हैं, मैं टोटल सारे टेस्ट फ्री कर सकूं 50,000 रुपये में सिर्फ, क्योंकि जो हमारा जो खर्चा होता है किसी टेस्ट में 10 पैसे होता है, 2 बूंद गिरे बस और हमारा रिएजेंट इतना महंगा नहीं आता, वो कोई लैब टेक्नीशियन है जो जानता हो उसको पता होगा, मतलब वो ये कहता है इतना खर्चा नहीं होता हमारा टेस्ट करने का, कोई खर्चा ही नहीं होता, वो तो डॉक्टरों को कमीशन देना पड़ता है, 50% तो सीधा डॉक्टर का कमीशन जाता है कि डॉक्टर साहब ठीक, फिर बिजली का बिल देना है, फिर दुकान का किराया देना है, फिर मतलब वो जो स्टाफ है उसकी तनख्वाह देनी है। अगर जय अपनी लैब हो, अपने रिएजेंट हो, अपनी लैब में हमारे बालक थे 4 बालक थे सिखा दिया, अपने हर बालक ने टेस्ट करने आते हो ब्लड टेस्ट, जा अपनी स्लाइड ठार देख ले कौन सा ब्लड ग्रुप है, हो गया टेस्ट, 2 बूंदे तो गिरनी है जाकर है, शुगर है, बीपी है, सब हो जाएंगे, सारे इनिशिएटिव हो जाएंगे। समझे आप बात? अब ये पॉसिबल है कि नहीं है पहले ये बताओ, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जब हमने इसे पद्धति से करना हो तो भी, और जब हमने अपनी पद्धतियों से करना हो तो भी। खेती में हमने कैलकुलेट किया लगभग 80 एकड़ पे एक ट्रैक्टर बहुत होता है, लेकिन हम 50 एकड़ पे एक ट्रैक्टर मान लेते हैं, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि गांव को कितने ट्रैक्टरों की जरूरत है।
और अगर वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो गांव के हो जाएं साजले, तेरी किस्त गांव पाड़ेगा, तू टेंशन फ्री मुक्त चल जा काचे काट, जेसम जेसम तार देगा तेरी किस्त, क्या दिक्कत है उसको भाई, तेरी जमीन बाण कर, तेरे काम करने का ठेका भी जेएसएम का, जो गांव में बढ़िया जो ड्राइविंग के लिए बढ़िया बालक है वो भी निकाले जा सके कि ये बढ़िया ड्राइवर है, सारे काम हो उसके। मेरा कहने का मतलब अगर अपने को ये पता चल जाए किस बच्चे को कौन सी ड्यूटी सौंपनी है, सिर्फ इतने से ही। क्यों जी, अब इससे आगे की बात सुनते हैं, ये बड़ी डिटेल है, बड़ी ब्लू प्रिंट है, लंबा ब्लू प्रिंट है मेरे, इस पर मैं तो पूरा सब पूरा का पूरा दिन बोल सकूं, लेकिन मोटी मोटी चीज ये रखता हूं मैं इसके अंदर कि भाई अगर मान लो हमने ये कहा कि हम फैक्ट्री की बात कर रहे थे, उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है यानी जो सामान हमने बनाया, जिस पंजीरी की मैंने बात करी, जिस झाड़ू की मैंने बात करी, जिस सोफे की बात करी, जिस फर्नीचर की बात करी, कि हमने फर्नीचर बना तो दिया, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम मार्केट में कैसे लेके जाएंगे और लोगों में कैसे लेके जाएंगे। तो भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमने इसमें मॉडल बनाना है गांव की जनसंख्या के हिसाब से। मैं ये मान के चलता हूं कि एक ये बड़ा गांव है या छोटा गांव है, जैसा भी गांव है, जिस गांव में कोई ऐसी 3-4 फैक्ट्रियां लग सकती हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां लग सकने का भी अलग अलग पैमाना है, कौन सी फैक्ट्री के लिए वाहनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम वो सड़क के किनारे होगी तो ज्यादा बढ़िया है, कौन सी के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मैन पावर की जरूरत पड़ती है उसमें मैन पावर वाली जगह पे लेके जाना है, ऐसा करके वो पैमाने बन जाए, वो आखिरी का काम है वो, है ना। मतलब मोटा तौर पे ये है कि हमने एक फैक्ट्री यहां बना दी, 2-3 फैक्ट्रियां इसी गांव के अंदर एक अपने पास बन जाए जेएसएम स्टोर, ना जेएसएम स्टोर नहीं, जेएसएम स्टोर गलत है, जनता स्टोर, जनता का स्टोर बन गया, वो हमारा कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा, गांव का ही रहेगा वो, ठीक है, जनता का एक स्टोर बन गया। अब इस स्टोर के, अब यहां हमारे पास गांव है, ये 8 गांव है इसके साथ में, तो 9 गांव का या 10 गांव का एक क्लस्टर बन गया, ठीक जी। यहां पर है झाड़ू की फैक्ट्री, यहां है जूते बन रहे, यहां साइकिल बन रही, यहां पे किताबें कापी पेन ये सब बनने लग रहे, आपने देखे होंगे बनते हुए, देखिए किसी ने फैक्ट्री में कुछ भी नहीं लगता, मतलब कुछ भी नहीं लगता बनाने में, अपना अखबार छापना, अपने प्रिंटिंग प्रेस लगाना, अपने मतलब कंप्यूटर असेंबल करना, अपने सारी चीज अपनी बनाना, मतलब कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। आप ये सारी चीजें बन गई, मान लो मैंने तो ये कह दिया, आप कैलकुलेट कर लेना जो जो पोल्यूशन नहीं करती हैं, और जब ग्राम सभा डिक्लेयर कर देगी कि हम ग्राम सभा डिक्लेयर कर रही है, सरकार की कोई परमिशन हमने नहीं चाहिए, अपनी स्थिति कराओ, ठीक है, जनता ने कह दिया बात खत्म, जनता मालिक है, तुम थोड़ी मालिक हो। अब यहां से, अब हर गांव से सामान है, ये सारा सामान इस स्टोर में आ गया, ये सारा जरूरत का सामान है, अब ये सामान पैसे में नहीं मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, पैसे में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा घंटे में, मतलब मैंने समाज के लिए कितने घंटे काम किया, मैंने 4 घंटे काम किया, भाई बाल्टी की कीमत 4 घंटे है, इतने दर्जन कापियां की कीमत 2 घंटे है, इतने इस फलानी चीज की कीमत इतने घंटे हैं, तो ये मान लो गांव में मारे कोई मारी चाची ताई मारी माँ खाली बैठी है और वो आदमी सोच रही के करूं मैं, के करूं, किसके गल दिमाग खपाई करूं, उन्होंने कहा छोड़ ना तू, चल स्वेटर वाली फैक्ट्री में जाया, वहां दरी बनाने वाली फैक्ट्री में चलते हैं। अब दरी बनाने वाली फैक्ट्री में जाती है, वहां बाहर जो आदमी खड़ा वो बोल रहा है जी ताई तने दरी बनानी आवे है, और बोले आवे है, ट्रेनिंग ले रखी तने इस फैक्ट्री वाली, बोले हाँ ले रखी है, दिखाए तेरा आई कार्ड, उन्हें बने रहेगा, हाँ भाई दरी बनानी आवे आ जा, कुछ कर तू, यहां मैनेजरियल स्किल है तो मैनेजर बन जा, मैनेजर नहीं था आज तेरा, जो काम करने जी कर रहा है इस फैक्ट्री में जो मर्जी कर, मैनेजर की तनख्वाह और उसकी तनख्वाह उसके समय की कीमत बराबर, स्किल का कुछ फर्क रखेंगे वो, इसके इतने घंटे के बराबर वो तो हो जाएगा, बट द मेन पॉइंट इज उसके लिए भी पूरे के पूरे पैमाने स्टैंडर्ड सब तैयार करके रखे हुए हैं। तो अब उसको ये इतना काम किया, 3 घंटे उसके पास थे, वह 3 घंटे काम करी जागा अपने उस स्टोर पर, चप्पल ले आई 3 घंटे की, है देना पड़ेगा किसी को टैक्स,
और 3 घंटा की टोकन मिल गया उसने, 3 घंटा का टोकन तो करा लो स्थिति। उन्हें कहो धना या करेंसी चली गई तो कड़ जाएगी, हमारी अगली करेंसी होगी समय। ये तो एक आइडिया है, समझे ना, ये एक आइडिया है, ये फाइनलाइजेशन नहीं है। लेकिन मैं ये आपको ये देख रहा हूं क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, है ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैंने इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर लगातार 5-6 साल काम किया है। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, हवा में बोलने वाला आदमी साफ दिख जाता है सड़क पे ना, क्योंकि इसकी एक एक माइन्यूट चीजों के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। ब्लूप्रिंट पूरा तैयार पड़ा, ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाने के लिए हमको मानस चाहिए भाई, कैपेबल आदमी आ जाओ जो उसी काम के स्किल के लिए बने। मैं जैसे ही आपकी स्किल देखता जाऊंगा, टिक 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 ले मोबाइल की फैक्ट्री तैयार होगी, टिक 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 ले एक स्कूल तैयार हो गया, टिक 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 एक अस्पताल तैयार हो गया, ये एक ग्राउंड तैयार हो गया, ये एक दरी की फैक्ट्री तैयार होगी, एक फर्नीचर की तैयार होगी, क्या होगी, ऐसे करता जाएंगे सबको काम मिलता जाएगा, टेंशन खत्म, क्या नहीं, ये करते जाएंगे ये होता जाएगा, अपने आप होगा, परमात्मा अपने आप रास्ता दिखाएगा। अपना काम है आज का काम ईमानदारी से करना, अगर हमने आज बेईमानी कर दी तो परमात्मा देख रहा है, आपकी अंतरात्मा देख रही है, आप सब समझते हैं, फिर नहीं होगा। इसलिए, और ये तो बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि करने से ही होगा, है कि नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो करने से ही होगा। और करने के लिए जज्बा चाहिए, टेक्निक चाहिए, समझ चाहिए, हमारे अंदर उत्साह चाहिए, हमारे अंदर विजन चाहिए। वो विजन तैयार कर लो, आपको जिस समस्या का समाधान चाहिए, समाधान जनता सरकार मोर्चा देगा, ये समझ के चल पड़ो, कोई टेंशन नहीं है। आपको विजुअलाइज होने लगा कि प्रैक्टिकली हो सकता है, इब आपने क्या करना है, जाने से पहले मेरे को ये जरूर दे के जाना कि किस किस ने अपने गांव में प्रोग्राम करना, किस किस ने अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करनी, कितने लोग मानस का प्लान कर रहे हो, ना हो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि भाई डॉक्टर साहब को बुलाया था तो भाई 500 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी होने चाहिए। आप ट्राई कीजिए 100 लोगों के लिए, अगर वहां 10 लोग भी आएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई ये ध्यान रखना, हम सारे साथी हैं, हम एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए नहीं, हम एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हैं। आज 10 आएंगे, कल को 100 भी आएंगे, 100 के बाद 1000 भी आएंगे। किसी ने सोचा था यहाँ इतने लोग आ जाएंगे, सोचा ही नहीं था किसी ने, ऐसे प्रैक्टिकलिटी के ऊपर विचार ही नहीं किया था। तो इसी तरह से वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं है, बस आपने भाव वो रखने हैं जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसको उस दिशा में काम करने के लिए लगाना है जिस दिशा में अपन सोच के चले हुए हैं, बस, और कुछ नहीं करना। आपका काम केवल मात्र इतना है, अगर आपने ये समझ लिया फिर आपके पास स्काई इज द लिमिट, कुछ कोई रोकने वाला नहीं है आपके पास। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि यहां से लेके यहां तक में आपको कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, थोड़ी आई है उसके लिए थोड़ा क्लैरिटी दी जा सकती है, थोड़ी आई है उसके लिए आप मुझे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, या कुछ डाउट्स हैं वो हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, आखिरी वाला सवाल शुरू में मत पूछना, पहले कुछ कर लो, जब करने लगोगे उस है, हाँ पहले खुद करना पड़ेगा। मतलब आप ये इंतजार मत कीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, आप ही को करना पड़ेगा, क्लियर। तो अपनी नोट तैयार कर लेना बाद में, और फिर जब आप जाओ तो जाने से पहले मुझे पकड़ा जाना। तो ये सेशन जो है इस टॉपिक के ऊपर आज के लिए अभी यहीं खत्म होता है, और मैं ये उम्मीद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि इस 7 दिन की इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोग, मैं अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि आपसे मिली ऊर्जा जो आपने इस 7 दिन के अंदर इतना शानदार डिसिप्लिन जो आपने शो किया है, जिस तरह से आप रहे हो, जितना प्रेम आपने एक दूसरे को दिया है, जितना प्रेम आपको मिला है, जितना हमको मिला है,
और जो आपने यहाँ करके दिखा दिया असंभव जैसा काम, आपको मालूम नहीं है भाई साहब, मतलब आपके यहाँ जितने लोग रहते हैं ना, सब ने ये कहा क्या कमाल के लोग आए हुए हैं आपके पास, सब ने आप सबके लिए मतलब इतना शानदार कि कमाल के लोग आए हुए हैं आपके पास। और कल जब आपने देखा, कल जो मैं उस बात को कहूं, कल सुबह वाली जो वारदात थी वहां उस सफाई के, तो वहां तो मतलब जो चीज असंभव जैसी लगती थी उसको सोल्यूशन निकालने में आपने 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, एक्सीलेंट, ग्रेट, मुझे बहुत आनंद आया और मैं अपने आप को पूरी तरह से बदला हुआ महसूस कर रहा हूं। और अगर आपको भी आनंद आया है तो आप भी बदला हुआ महसूस करेंगे। और इसी भाव के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।